अच्छा यार, एंड पे मैंने वो उसकी बात करनी थी, एक ये कमेंट आया था तहा भाई का, ईरान से हैं। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, इंशाल्लाह आपका भाई एक दिन चांद पर होगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजंस बिहाइंड व्हाई आई बॉट अ न्यू बाइक एंड द स्टोरी हाउ आई गॉट अ न्यू बाइक। पहला रीज़न, मेरी जो पुरानी बाइक है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जिसकी वजह से उसका आए दिन कोई ना कोई काम निकल आता है। वो पहले बड़े भाई ने चलाई, फिर दूसरे भाई ने चलाई। 12 मॉडल है हमारी पहली बाइक है, पहले बड़े भाई के पास थी, फिर उससे छोटे के पास आ गई। दोनों ने उसकी अच्छी तरह मत मार के ना फिर मुझे दी। उसका आए दिन उसका कोई ना कोई काम निकल आता था। तो इस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए आई बॉट अ न्यू बाइक। सेकेंड रीज़न, पहले 125 मेरे बड़े भाई के पास था, तो जब कभी मेरा 125 चलाने या उस पर मुझे कोई काम होता था तो मेरा दिल करता था, तो मैं उससे चाबी मांगता था, तो उसका रद्द अमल क्या होता था? तो भाई वो 125 की चाबी देना, ज़रा काम जाना था 2 मिनट। चल मेरा पुत्र छोटी कार। बड़े भाई के बाद 125 उसके असल मालिक उससे छोटे भाई के पास आ गई, तो जब कभी मैं उससे 125 मांगता काम के लिए तो फिर उसका क्या रिएक्शन होता था वो भी देख ले। तो अवैस यार 125 की चाबी नहीं, चुप करके बैठ, जिन्नी तेरी कार ते उथे रह। ओ दे दे यार 2 मिनट दी ते गल है, तेनु करी मैं कह रही तेरा नहीं देनी, तेरा नहीं देनी, तेरे को करने काला। थर्ड एंड लास्ट रीज़न की बात हम एंड पर करेंगे, अब बात कर लेते हैं मुझे फिर बाइक मिली कैसे। अच्छा तो मैं दोनों भाइयों से बिस्ती करा करा के थक चुका था, तो मैंने फिर थक हार के अबू को फ़ोन कर दिया। अबू ज़्यादातर मेरे रबे होते हैं तो उनको फ़ोन ही करना पड़ा, तो मैंने उनको फ़ोन किया। फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। हाँ मौलवी। हाँ अबू हूँ मैनू भी नवी 125 लै दे, मैं कहीं देर इन्होंने को बिस्ती करावा। अच्छा लै दिने। कदों तक? 10वीं दे पास कर ला। ओ समझो हो गई। अच्छा वाडियां हो लैंदे, जो कनक घर आऊगी उदो लै दांगा। चलो ठीक है फिर। हाँ ठीक है लै दांगा। नवा खर्चा कटता भाई, फसल करे आई नहीं, खर्चा पहले ही तैयार होंगे इन्हों का। जैसा कि मैंने बताया अबू ज़्यादातर मुरब्बे होते हैं, तो इसलिए उनका करेक्टर ज़रा मैंने ऐसा दिखाया है। तो अब फिर जब वाडियाँ आ गईं, तो तब जब मैंने बाइक की फरमाइश की, मतलब बाइक का याद कराया कि मेरी बाइक लेनी है, तो तब मेरे दरमियान वाले भाई ने क्या रोला डाला उस पर ज़रा रोशनी डाल लेते हैं। ओ अबू मेरी मोटरसाइकिल 70 ले दिने। नहीं 70 नहीं अबू। क्यों? मेरा वजन ज्यादा हुआ तो थले बह जाती है। अरे वाह शेर, वो तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। मैं सीरियस कह रहा हूँ। कोई और वजह दस। मैं 70 से बैठा सोना नहीं लगता। सोना ने तो पुत्र खोते थे बैठा ही लगेगा। अच्छा 125 किने दा वा? तकरीबन 64 दी। अच्छा ले देने हैं। जे अबू इन 125 लैके देना, सादा लैके देना, सेल्फ स्टार्ट कोई नहीं लैके देना, मैं पहले दसन दिया जी। नहीं अबू लैना, सेल्फ ही लैना वा। ऑन द सेल्फ च पानी पै जाता तो आए दिन उनका सेल्फ खराब हो जाता। काशी नूं जाके पुछो, इनू बड़ा पता है तो एवं लगा। नहीं सादा ही लैके देवांगे। क्यों सेल्फ क्यों नहीं? तेरे को किक नहीं वजदी, नाले सेल्फ च पानी पै जाता सेल्फ खराब हो जाता। खैर पेशियाँ होती रही, मैं अपना सेल्फ स्टार्ट का केस लेकर अबू के पास काफ़ी बार गया, लेकिन अवैस साहब ने ऐसा दम पड़ के फूक मारी थी कि अबू टस से मस नहीं हुए अपने फैसले से। खैर फिर मैंने दिल को समझा लिया कि जो आ रहा है वो तो लैन वाली गल करो, कितने वो भी जाता ही। फिर आया वो दिन जिस दिन हमने शोरूम जाना था और मेरे मैकवीन को घर लाना था, मेरा लाइटनिंग मैकवीन को। फिर आपके भाई ने गाड़ी को सेल्फ मारा और पहुंच के शोरूम। खैर शोरूम पहुंचे, एक्स्ट्रा पैसे भर के आपके भाई ने पैसे नहीं भरे, मतलब मेरे अबू आपके भाई के अबू के पैसे भरकर ब्लैक कलर में आपके भाई का लाइटनिंग मैकवीन आ गया, वो भी अर्जेंट बगैर बुक किए।
जिस शोरूम पर हम गए उस शोरूम पर 1.5 और वो भी ब्लैक कलर में नहीं खड़ा था, तो उसने साथ वाले से लेकर दिया वो 13 लाख। फिर चल यार मेरे को नहीं आया तू दे दे। ओ साहब दूजे शोरूम तो मेरा 1.5 आया। खैर ऐसी पहली नज़र आते थे हमारी तरह प्यार वाली। देखा जी होंडा आ गया है, इधर खड़ा नहीं था, पता नहीं कहाँ से लेके आए, मतलब भी गुआंढियाँ गुंडियों को लेके आए ब्लैक। पहला काम आप आते थे ज़रा होंगी एक लैमीनेशन करवाई ताकि टेंगी टापे जरा खराश ना हो, मतलब भी स्वैग वाला काम पहले ही कर लिया। आप खैर वापसी पे आधा रास्ता जो भाई ने चलाई गाड़ी मैंने चलाई रश में, ज़रा भाई को आती नहीं ना इतने रश में गाड़ी, तो रश से मैंने निकाल के दी। मजाक कर रहा हूँ, वैसे ही मुझे ज़रा गाड़ी चलाने का ज़रा नया शौक है, बाइक तो चला था गया हूँ अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। था गया है ना, तो गड्डी चलाने का ज़रा नवा नवा शौक है। तो गड्डी फिर मैं चलाई रास्ते, फिर मैं आकर मैंने फड़ाते फिर लई आपके भाई ने 1.5 की पहली राइड। थैंक यू चल दी छे। अब बात कर लेते हैं थर्ड एंड इम्पोर्टेंट रीज़न, स्वैग। यार बंदा नहा धोकर बाहर निकले और गंदी सी बाइक पर बैठ जाए, मज़ा ही नहीं आता इन माई ओपिनियन। मज़ा तो तब आता है बंदा नहा धोकर निकले और साफ़ सुथरे ब्लैक 1.5 पर जाकर बैठे। आप चेक करें।